हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आए दिन भारत के फौजी भाई हम सभी की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। कभी एक शहीद हुए, कभी दो शहीद हुए। हर रोज का ये काम आपको शायद न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आपको देखने को मिलता हुआ कि आज दो हमारे सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों, 14 फरवरी की बात करें, जहां आप और हम वैलेंटाइन डे मना रहे थे या फिर भगत सिंह के मैसेज को व्हाट्सएप पर सेंड करके अपना फर्ज निभा रहे थे, वहीं पर 50 फौजी भाई हमारे शहीद हो गए एक आतंकवादी हमले में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। वहां पर 2500 के आसपास हमारी भारतीय सेना के साथी मौजूद थे। एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है जो हमारी गाड़ियों के साथ टकराती है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, उस कार में क्या था, आईईडी नाम का एक विस्फोटक पदार्थ है उस गाड़ी में भरा हुआ था। तो दोस्तों, उसी टाइम जैसे ही टक्कर होती है, दो हमारी गाड़ी और एक वो कार जो आई थी स्पीड से, तीनों खत्म हो जाती है दोस्तों, धमाके के साथ में। उसी टाइम हमारे 20 फौजी भाई वहां पे शहीद हो गए ऑन द स्पॉट दोस्तों, और सैकड़ों जो फौजी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और सुबह तक ये आंकड़ा 50 को पार कर चुका था, शहीदों की संख्या 50 के पार हो चुकी थी। जहां हम अपनी शाम को गुलाब के फूल के साथ रंगीन कर रहे थे, वहीं पर 50 से अधिक परिवारों के घर मातम छा गया था। दोस्तों, इस हमले का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसने स्वीकार किया कि यह हमला उसने करवाया है। जैश ए मोहम्मद हमला करने वाला है, और एक संगठन है आईएसआई जिसको मसूद अजहर नाम का एक राक्षस चलाता है दोस्तों, जिसको पाकिस्तान से फुल सपोर्ट मिलती है। तो जिन्होंने शहादत दी हमारे लिए, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं ईश्वर से, भगवान से कामना करता हूं कि जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए और उनको नमन करता हूं जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। दोस्तों, पहले क्या होता था, एक आज सैनिक शहीद हुआ, दो सैनिक शहीद हुआ, तीन हुआ, लेकिन इस बार 50 सैनिक शहीद हुए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस चीज में। पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही एक्शन लिया था जिसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक रखा गया था, तो अब शायद एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मानने वाले होते हैं वो मान जाते हैं। यदि आपके उस एक्शन के बाद भी भारत पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हर रोज चलती रहनी चाहिए जब तक आतंकवाद का नाम बिल्कुल जड़ से खत्म ना हो जाए। दोस्तों, हमारी सेना को फुल पावर दे देनी चाहिए। भारतीय जो अब संगठन है हमारा, जो सरकार है, उसने खुले हाथ कर देने चाहिए सेना के कि आप फुल एक्शन लो। पूरा भारत गुस्से में है कि अब बदला लेना जरूरी है। दोस्तों, इस टाइम पे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी एक होना चाहिए इस चीज पे, तो एक होना चाहिए कि वो क्या एक्शन ले सके। अब वो खुद का नहीं सोचना चाहिए, अब हमें बदला चाहिए।
जिन्होंने अपने बहन बहन ने अपना भाई खोया है, मां ने अपना बेटा खोया है, इनका बदला लेना चाहिए। भारतीय सरकार ने अब आर्मी को फुल पावर दे देनी चाहिए। और दोस्तों, शायद अब सर्जिकल से बड़ी कोई चीज है तो वो एक्शन भी भारतीय सेना के द्वारा लिया जाना चाहिए, ताकि इन 50 शहीदों का बदला लिया जा सके और आगे से ऐसे हमले ना हो। सिर्फ बातें कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब तक भारतीय सरकार सेना को फुल पावर नहीं देगी, फुल हाथ खुले नहीं करेगी इस चीज के मामले में, तब तक हमले ऐसे ही होते रहेंगे। और दोस्तों, मैं नमन करता हूं इन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमारी रक्षा करते हैं आए दिन। ठीक है, यहां हम चैन से सो रहे हैं, चैन से खड़े हैं, आज आपके साथ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, देख रहे हो इस वीडियो को। ये सिर्फ उन्हीं का कहीं ना कहीं रिजल्ट है जो हमारी रक्षा के लिए वहां पर इतने गहरे संकट में खड़े हुए हैं, जहां पर उनकी जान कभी भी जा सकती है किसी भी क्षण। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलवामा में ये जो हमला हुआ है, इसके बारे में एक्शन जरूर लेना चाहिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जो भी एक्शन सही लगे इनको। ठीक है, और दोस्तों, यदि आप इन शहीदों को धन के रूप में सपोर्ट करना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी आप देना चाहते हैं, तो भारत के वीर नाम से एक वेबसाइट है, एक ऐप भी है, जिसने अक्षय कुमार के द्वारा चला गया है दोस्तों। ये जैसे आपने 50 रुपए 20 रुपए दिए, सारे पैसे इकट्ठे करके उन शहीदों को जाते हैं, उन शहीदों के परिवार को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, श्रद्धांजलि अर्पित है उन शहीदों को। धन्यवाद।